रेसिस्टेंस इन सीरीज क्या स्टडी करेंगे? रेसिस्टेंस इन सीरीज। अब हमने रेसिस्टेंस स्टडी किया था अभी अभी सुबह में, मतलब चालू ही नहीं होता है। कैसा है उसका सिंबल? लाइक दिस, ठीक है। और फिर ये थर्ड रेसिस्टेंस। टोटल कितने रेसिस्टेंस है? तीन रेसिस्टेंस है। लेट से ये जो रेसिस्टेंस है वो है R1, ये वाला रेसिस्टेंस R2, R3। रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3। ये तीनों भी रेसिस्टेंस कनेक्टेड है एक बैटरी से। किससे कनेक्टेड है? बैटरी। बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या पोटेंशियल? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है प्लस और माइनस। इसको खोल बंद करने के लिए मैंने यहाँ पे की रखा है। कौन सा की है ये? ना टैप की, अभी बताया था ना कल सुबह में। ओके, तो अब ये करंट जो है ऊपर की तरफ पास हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मिलेगा उसको, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होगा। समझ में आ गया ये? ओके, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर कितना करंट पास हो रहा है उसको चेक करने के लिए एमीटर लगाया है, और इसके पास कितना वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको चेक करने के लिए मैंने वोल्ट मीटर लगाया है। V का मतलब वोल्ट मीटर, A का मतलब एमीटर, ठीक है। चलिए, अब मान लो R1 के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1, R2 के पास है V2, R3 के पास है V3। समझ में आ गया? V1, V2, V3। मान लो ये पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B। समझ में आ गया? ओके, सुबह में कुछ फॉर्मूले स्टडी किए थे जिसमें से एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है R = V/I। R = V/I कौन सा लॉ है वो? ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ नहीं, कौन सा लॉ है? ओहम्स लॉ। ओके, तो अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बनाना है, ठीक है। सीरीज मतलब एक के बाद एक, सीरीज मतलब एक के बाद आपको फाइंड करना है कि जब तीन रेसिस्टर साथ में लगे होंगे तो उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा। क्या फाइंड करना है? इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा। तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है एज शोन इन द डायग्राम। R1, R2 and R3 are the resistors connected in series. Series मतलब एक के पीछे एक के बाद एक, okay? R1, R2 and R3 are the resistors connected in series. समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? V1, V2, V3 आर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 and R3 रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया? दो पॉइंट बताया मैंने, बोल रहे। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? बोल। R1, R2 आर द कनेक्टेड इन सीरीज। देखने का नहीं यहाँ पे मेरे को, देखने का। सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने? बोलो। V1, V2, V3 आर नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, दे आर द पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ पे? V1, R1 के पास, V2, R2 के पास, V3, R3 के पास। बैठ जाइए। कितना समझ में आया? दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या लिखने का है? एमीटर प्लस माइनस। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट एंड वोल्टमीटर इज यूज्ड टू
मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एमीटर की यूज़ किया मैंने करंट को मेजर करने की, वोल्ट मीटर की यूज़ किया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, फिर लिखने का टोटल करंट इन द सर्किट, करंट में। इसके बाद एक पॉइंट और बताता हूँ, थोड़ा डीप पॉइंट है ये, एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन समझ लो क्या है वो। एज्यूम दैट, क्या लिखने का, एज्यूम दैट एमीटर हैज वेरी लो रेसिस्टेंस, ओके, वेरी लो रेसिस्टेंस, वेरी वेरी लो। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं नेग्लिजिबल, क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, मतलब ना के बराबर, मतलब जैसे कि मान लो आपने समुद्र में से एक बाल्टी पानी ले लिया, तो कुछ फर्क पड़ा क्या, तो ये ना के बराबर पानी निकाला, पानी निकाला लेकिन ना के बराबर। तो नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नो, ठीक है, ओके। तो एज्यूम दैट एमिटर हैज नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, मतलब नो रेसिस्टेंस, ठीक है। और वोल्टमीटर हैज वेरी हाई, ओके, रेसिस्टेंस, ठीक है। ये पॉइंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने तीन ही रेसिस्टर लगाया ना, ये भी करंट को रोक देगा तो R4 हो जाएगा ना अपना, तो इसके लिए इसका रेसिस्टेंस मान लो नहीं है। अब करंट यहाँ से भी तो पास हो सकता है, तो मैंने इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बताया ताकि करंट हम बोलेंगे यहाँ से पास नहीं हो रहा है। तो करंट कहाँ से पास हो रहा है, R1, R2, R3, करंट कहाँ से पास हो रहा है, R1, R2, R3, ठीक है। बाकी दोनों भी डायग्राम में है, लेकिन नेग्लिजिबल बोलने का उसको, ओके। तो ये पॉइंट अगर नहीं बोला तो भी चलेगा, एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन हायर स्टैंडर्ड्स में हम लोग को ही लिखना पड़ेगा। टोटल वोल्ट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो टोटल मतलब इसको प्लस करेंगे, है ना, तो क्या प्लस करना पड़ेगा, V1 प्लस V2 प्लस, समझ में आया, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो ये हो गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हो गया ये, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, ओहम्स लॉ ने जो बताया है, क्या बताया है, वो अंकल ने बताया है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, क्या है, तो मैं लिखूँगा ओहम्स लॉ सेज दैट, क्या बोलता है, R इज इक्वल टू, तो देयरफॉर I गया उधर, बराबर हो गया RI इज इक्वल टू V, बराबर इसी को मैं लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू R इंटू I, उल्टा करके लिखा, V इज इक्वल टू R इंटू, मैं लिखता हूँ ऑल्सो V1 रहेगा तो फिर ये R1 हो जाएगा, V2 रहेगा तो ये R2 हो जाएगा, और V3 रहेगा तो ये R3 हो जाएगा, समझा इतना। V इज इक्वल टू RI, V1 इज इक्वल टू R1I, V2 इज इक्वल टू R2I, V3 इज इक्वल टू R3I, ठीक है। अब सिंपल सा स्टेप है, सिंपल स्टेप क्या है कि जो वैल्यूज़ है V1, V2, V3, इन वैल्यूज़ को इसको दे दो नंबर 1, इस वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करने का है, तो मैं लिखूँगा पुट या सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो अब मैं क्या करूँगा, V इज इक्वल टू V1, सिंस V वॉज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3,
तो अब क्या हो जाएगा, V का मतलब आर आई, V का मतलब आर आई, V1 का मतलब आर आई, V1 का मतलब आर आई, आर वन आई, V2 का मतलब R2I. तो यहाँ पे भी लिखूँगा मैं आर टू आई, फिर लिखूँगा मैं आर थ्री आई. देख तीनों में भी I कॉमन है, तो मैंने I को निकाल दिया बाहर. I कहाँ गया? अब ये I गई. R इज इक्वल टू क्या बची? R1 बची, R2 बची, R3 बची. बचा, तू भी बची बोलता है. R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. समझ में आ गया? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस. अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इन जनरल. क्या लिखूँगा? इन जनरल. RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN. इसका मतलब अगर यहाँ पे तीन लगाया तो तीन आया, चार रेसिस्टेंस होते तो चार आता, पाँच होते तो पाँच आता, छः होते तो छः आता. मान लो कितने पता नहीं, तो एन नंबर, तो जितने रहेंगे उतना आएगा वहाँ पे. समझ में आ गया वो कैसे आता है ये? हाँ, एस का मतलब रेसिस्टेंस इन सीरीज. तो नीचे लिखना पड़ेगा RS का मतलब क्या है? रेसिस्टेंस इन सीरीज. और RN का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज. समझ में आ गया? कुछ डाउट है? तीन चार स्टेप्स हैं इसके अंदर. एज शोन इन द डायग्राम, सबसे पहले R1, R2, R3 किधर कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है वो बताना है. सेकेंड स्टेप में V1, V2, V3 किसके पास है? R1, R2, R3 के पास है, वो बताना है. एमीटर यूज किया है करंट को मेजर करने के लिए, वो बताना है. एमीटर के बाद वोल्टमीटर यूज किया है, किसके लिए यूज किया है? मेजर करने के लिए. फिर एज्यूम बताना है, इसका रेसिस्टेंस बहुत कम है, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. इन दोनों के बीच में V1, V2, V3 को प्लस करेंगे तो V मिलेगा. ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इट सेज दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I. तो V इज इक्वल टू R इन टू I. ऑल्सो V का V1 हो गया तो ये R1 हो गया, V2 हो गया तो ये R2 हो गया, V3 हो गया तो R2. ये सारी वैल्यू को उठाओ, इसके अंदर फेंक दो, V1, V2, V3 के जगह पे. फेंकने के बाद I कॉमन है, कॉमन निकालो, काट के निकाल दो उसको बाहर. R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. चाहे समझ में आएगा. अभी नेक्स्ट टॉपिक इसी से मिलता जुलता है, ये रेसिस्टेंस इन सीरीज है. अभी हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल. क्या पढ़ेंगे? रेसिस्टेंस इन पैरेलल. ठीक है, अब रेसिस्टेंस इन पैरेलल में ये जो तीन रेसिस्टर लगे हैं ना, ये ऐसे नहीं लगे रहेंगे, इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग रेसिस्टेंस इन पैरेलल. ओके, इसके अंदर ये जो रेसिस्टर्स है इसको हम लोग कनेक्ट करने का मेथड अलग रहेगा. कैसा कनेक्ट करेंगे इसको? पहले ड्रॉ कैसे करना है देख लो. आप भी ऐसे ड्रॉ करोगे, इतना ड्रॉ करने के बाद में बीच में ऐसा गैप मारने का, ये साइड में यहाँ पे कनेक्ट करने का रेसिस्टर. ठीक है, फिर एक गैप इधर मारने का, अटैच करने का एमीटर. क्या अटैच करने का? समझ गया? हाँ, ओके. तो अब ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. रेसिस्टर का मतलब होता है R1, R2, R3. क्या होता है? R1, R2, R3. मतलब होता है, मतलब तीन रेसिस्टर कनेक्टेड है, R1, R2, R3. ये तीनों रेसिस्टर को मैंने पैरेलल कनेक्ट किया है. कैसा कनेक्ट किया है? पैरेलल मतलब वन अबाउ द अदर. ओके, ये पैरेलल कनेक्शन हो गया. अब इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सेम पॉइंट पे ये भी कनेक्टेड है, तो उसके लिए भी सेम रहेगा, तीनों के लिए सेम रहेगा. लास्ट केस में V1, V2, V3 था ना, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट सेम है, तो जितना यहाँ पे रहेगा तो उतना ही उसके लिए रहेगा, उतना ही उसका लिए रहेगा. तो यहाँ पे कॉमनली मैं यहाँ पे मैं एक कॉमनली वोल्टमीटर कनेक्ट कर देता हूँ.
ओके प्लस माइनस, तो ये कॉमन हो गया, तो इसमें वी वन वी टू वी थ्री नहीं रहेगा, क्या रहेगा? जब यहाँ से करंट पास होएगा तो करंट यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ देख लो, डायग्राम समझ में आ गया? ओके, एज शोन इन द डायग्राम आर वन आर टू आर थ्री आर द रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. अब मैं दूसरा मार्कर यूज करूँगा, समझ में आएगा. इसको हटा क्या लिखने का, पैरेलल. वी वन वी टू वी थ्री आएगा क्या यहाँ पे? नहीं. तो क्या आएगा? करंट यहाँ से पास हो गया तीन पार्ट में, आधा ऊपर गया, आधा इधर गया, आधा उधर गया. तो मैं बोलूँगा आई वन आई टू एंड, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई वन आई टू आई थ्री आर द करंट पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू फुल फॉर्म में लिख लेना आर वन आर टू एंड, देखो ना आई वन के पास आर वन, फिर आर टू के पास आई टू है, फिर आर थ्री के पास. एमीटर इज यूज टू मेजर करंट, वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेम रहेगा. एज्यूम दैट एमीटर हैज नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस एंड वोल्टमीटर हैज वेरी हाई रेसिस्टेंस. टोटल पीडी नहीं आएगा, टोटल करंट आएगा. तो मैं लिखूँ यहाँ पर टोटल करंट बिटवीन पॉइंट ए एंड, तो बिटवीन पॉइंट ए और बी के बीच में जो करंट रहेगा वो क्या रहेगा? आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई, समझ गया? सिंपल है. हाँ, एग्जाम में आएगा, दो में से एक क्वेश्चन 101% लिख के ले लो, आएगा. नहीं आएगा तो पेपर फाड़ के फेंक डालना, ठीक है. ओहम्स लॉ सेज दैट आर इज इक्वल टू, ओके. अब आई का फॉर्मूला चाहिए ना आपको, तो फिर आई क्या रहेगा? देख यहाँ से मिटा दे, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं. देखो यहाँ पे आई गया ऊपर, आर आया नीचे, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आर ना आई उधर गया, आर नीचे आया. तो मैं लिखूँ ऑल्सो आई वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन, आई टू इज इक्वल टू वी अपॉन आर टू, आई थ्री इज इक्वल टू वी अपॉन आर. समझाइए, समझ में आ गया? अब क्या करना है, ये जो वैल्यूज दी गई है यहाँ पे, सबसे पहले उसको हटाओगे आप, क्या लिखोगे? I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, तो ये पूरा आप चेंज हो गया, यहाँ से चेंज हो गया, बाकी सब सेम, ठीक है. अब I की प्लेस पे क्या लिखना है? V अपॉन R, बराबर. I1 के प्लेस पे क्या लिखना है? आई टू के प्लेस पे, आई थ्री के प्लेस पे, तीनों में वी कॉमन है, बोलो है क्या? नहीं, बाहर निकाल दो उसको. तो इतना बचा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन, समझा क्या? आप बोलेंगे वी को बाहर निकाले, समझ में आया? सर वो वन कैसे आया, है ना? सर वो वन कैसे आया? मैं बोलता वी को कहाँ निकाला मैंने? बाहर. वापस अंदर छोड़ दे, वी बन जा देख V, फिर V बन जा इधर भी देख V, फिर देख V बन जा V. बोलता ना कुछ नहीं मतलब वन है वहाँ पे, तो वन है प्रूफ करके दिखाया वन है वहाँ पे. हाँ, अब ये V V कैंसल हो गया, क्या बचा? वन बचा इधर, वन अपॉन R इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन, मैं लिखूँगा इन जनरल, ठीक है, इन जनरल वन अपॉन आर पी, पी मुझे क्या है? पैरेलल रेसिस्टेंस इन पैरेलल, पी मुझे क्या है? हाँ, तो आता क्या है? वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन प्लस डॉट 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 प्लस आर एन. रीजन लिखने का, इकड़े आर पी मुझे रेसिस्टेंस इन आणि आर एन मुझे क्या है? टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन? yes, कहाँ पे चेंजेस है? वहाँ वोल्ट था, यहाँ करंट है, करंट स्प्लिट होता है, ठीक है. वहाँ वोल्टेज सेम रहता है, करंट
सॉरी वहाँ वोल्टेज डिफरेंट रहता है, करंट सेम रहता है, या वोल्टेज सेम रहेगा और करंट अलग अलग रहेगा।